किस में चमड़ी रहे या ना रहे, मगर एक गल्ला मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जो गल्ला है हम गरीबों में बांट देंगे, मगर तुम्हारे वहां उसमें का एक दाना भी नहीं जाने देंगे। ठाकुर साहब, मैं गरीब कमाता हूँ और मेहनत मैं करता हूँ, तुम्हारा हक कोई नहीं है। जा सब सीधे साधे हमारी झोपड़ी से निकल जाओ और खैर जो अपनी चाहते हो चलो जाओ। बदतमीजो ठाकुर साहब, बिरजू रामू ये बदतमीजी इन्हें होती इन्हें जानते नहीं हो, ये कौन है? आपसे हमारे बच्चों ने, क्योंकि ये जो तुम साले दूर खड़े हो उधर, ये जो हमारे ठाकुर साहब हैं उनके साले साहब हैं, और तुम लोग नाले को इनके ऊपर हाथ उठा रहे हो बदतमीजो। और बुढ़े इन दोनों को समझा दे और कह दे इन लोगों ने जो हमसे जुबान लड़ाया है इसका सबक इन लोगों को हम जरूर देंगे। रामू बिरजू, ये तुम लोग कैसे लड़े, किस लिए लड़े कर दिया आप लोग? बोलो बापू, मेहनत में करता हूँ अपनी खेती में दिन रात खून और पसीना बहाता हूँ, और ये कह रहे हैं कि आधा गल्ला हमारी हमेली पर पहुंचा दो और आधा अपने घर में रखो। नहीं, जय राय मेरी नहीं है कि आधा गल्ला मैं गरीबों में बांटूंगा और आधा अपने घर पर रखो। रियासत पे राय सिर्फ जमींदारों की चलती है, समझे? नाराज के वो गलत नहीं कहते हैं ठाकुर साहब, जो कहते हैं तो ठाकुर साहब गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि हम लोगों की परंपरा बहुत पहले से यहाँ की कुल परंपरा चल रही है कि जितने किसान गल्ला पैदा करें, थोड़ा पैदा करें या ज्यादा पैदा करें, आधा गल्ला हमेली पे जाता है और आधे में किसान अपनी बसर गुजर करते हैं। कोटा समझदार दिखाई पड़ रहा है ठाकुर साहब। तो देर किस बात की है, अनाज बहुत जल्दी लाकर हमें दो। हाँ ठीक है, अनाज आधा तुम्हारी हमेली पे हम पहुंचवा देंगे। पहुंचा दोगे, लेकिन लौंडों को समझा देना आएगा साले कभी हमसे जुबान न लड़ाए वरना गर्दन काट दूंगा। नहीं ठाकुर साहब, अभी ये बच्चे हैं न समझ हैं। बच्चे हैं तो बच्चे बनकर रहे, भोसड़े बाप को बन रहे हो। मैं जा रहा हूँ और अनाज आधा हिस्सा हमारा हमारी हवेली तक पहुँच जाना चाहिए, वरना लमालो तीनों बाप बेटों को बांध करके ले जाऊंगा। ठीक है, सालन क्या गोली मार दिया भाई? गोली साले हमरे पिछवाड़े घोस दो, उल्लू के पट्टे कहेंगे, बंदूक चला साले तो, वरना किसी दिन साले तो हमको उड़ा दोगे। जा रहे, अनाज हमारा सरप पहुंच जाना चाहिए। आपका भाई साहब के यहाँ पहुंच जाएगा। और रब अगर हम इस समय पहुंच नहीं जाते, तुम लोग लफड़ा कर दिया और ठाकुर साहब के हाथ में बंदूक की तुम दोनों को मार देते। बाबू फिर से डरते रहोगे तो सदा कसर डरवाएंगे, और तुम कह रहे हो कि आधा गल्ला उनके हमेली पर। बेटे तुम्हें हम कहाँ तक समझाएं, क्योंकि हम लोग गरीब हैं किसान हैं और दुश्मनी उनसे करके हम लोग कहाँ फरा पाएंगे, ये सोचो। देखिए पिताजी, मैं जानता हूँ फिर तुम उन्हें मानते चले आ रहे परंपरा, अपनी परंपरा मानते चले आए हो, लेकिन उस परंपरा को हम नहीं मानेंगे। हम उनको गल्ला एक नहीं देंगे। अगर वो ठाकुर साहब के रिश्तेदार नहीं होते तो उनका आज वो हाल करते कि देखने वालों का भी कलेजा। रामू हम अपनी नहीं सोच रहे हैं बेटे, हम तुम लोगों की सोच रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बूढ़े का क्या हाल होगा, इसलिए उनसे हम क्षमा मांग रहे थे। बाबू तुम बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं से गल्ला उनकी हमेली पर नहीं जाएगा, और
और गरीबों में बटेगा और जिद कर रहा हो तो गल्ला अपना घर छोड़कर चला जाऊंगा और अपनी मेहनत से कमाता हूँ और गल्ला उनके घर को जाता है बापू कभी नहीं जाएगा। नहीं गल्ला तुमको आधा ले जाना हमेली भी होगा। बापू ये हरगिज नहीं होगा, अब हमारे पर गल्ला नहीं ले जाएगा। नहीं जैसा हम कहते हैं वैसा ही तुम्हें करना होगा। नहीं जाएगा, जाएगा। क्या मेरा एक गल्ला उस हवेली को नहीं जाएगा। हमेली पे गल्ला नहीं जाएगा ना लाइको हमारी नगरी से दूर हो जाओ। हम तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहते। मैं जा रहा हूँ, मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा वापस। तुम लोग सहे इन ठाकुरों का जुल्म, मैं ठाकुरों का जुल्म नहीं सहूंगा। मैं यहाँ घर छोड़ कर चला जाऊंगा लेकिन कमीनों को गल्ला नहीं दूंगा। जाओ हमारी नगरी से दूर हो जाओ। बिरजू ऐसा रामू बापू तुम चित कर रहे हो, हम भाई भाइयों को भी छोड़ रहे हो और वो परंपरा लेकर चल रहे हो कि हमसे हमारा भाई दूर कर रहे हो। वो तुम्हारे ठाकुर सगे हैं और गल्ला जरूर जाएगा। चलो तो गल्ला बापू जैसा हो करो। अगर गल्ला नहीं जाएगा कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमारा कहना है एक नहीं खाएंगे, आधी खा लेंगे, आधी में बसर कर लेंगे, लेकिन हम तुम लोगों को खोना नहीं चाहते। चलो हमरी बोरिया हो सैया, हमरी बोरिया करवती फेरा हो बलामू। पिताजी ने मुझे तमाचा मार दिया और उन ठाकुरों की बात मान लिया, मेरी बात को इनकार कर दिया। मैं जा रहा हूँ, ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा लेकिन इन ठाकुरों का जुल्म नहीं सहूंगा। अरे क्या रामू भैया गुस्सा करके घर छोड़कर जा रहे हैं, ये बात बिरजू से बताना चाहिए क्योंकि मेरे कहने से नहीं रुकेंगे, हो सकता है बिरजू के कहने से। घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो फिर गुस्सा करके गए। हाँ जल्दी जाकर उनको रोको रास्ते में, वरना का ट्रेन पा गए तो यहाँ नहीं आएंगे लौटकर। वो गुस्सा तो बापू जिद कर रहे थे कि गल्ला उनकी हमेली पर जाएगा, वो दोनों बापू लफड़ा कर रहे थे, हो सकता है तो दौड़ कर जाओ। चलो चलते क्या हुआ? अरे भैया भवा का हम अपन गल्ला लिए जा रहे हैं ठाकुर के यहाँ दे। अरे पागल हो गए हो, इसी गल्ला के चक्कर में तो मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ और तुम उसके वहाँ गल्ला लेने जा रहे हो। तुम घर छोड़ी जा रहे हो, तुम्हारे लड़का मेहरुआ नहीं, हमारे भैया लड़का मेहरुआ, हम कहाँ भागी जाए, हम अकेले हुए तो हम भागी जाए। अरे कमाल के हो, मेहनत करते हो और वो गल्ला ठाकुर के वहाँ दोगे? तो भैया का करी, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, और वही गल्ला वो बेच बेच करके आयस करेगा और तुम लोग मेहनत करते करते मर जाओगे। कोई दिक्कत नहीं, आधा गल्ला तो सर मिलबे करी, आधा तो चला जाए, आधा तो मिलबे करी, तो बाल बच्चे खावा पिया करी। तुम लोग के दिमाग में गोबर भरा, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। पगले रामू कहाँ जा रहे हो? देखिए भैया मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेहनत मैं करूँगा और गल्ला ठाकुर ले जाएगा, वही गल्ला बेच करके वो आयस करेगा और हम लोग मेहनत करेंगे, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। ना तो हम देख सकते हैं ना तो ये सह सकते हैं। भैया राम मैं मेहनत करता हूँ और अपने पिता है तुम्हें डांट दिया, भैया तुम अपना घर छोड़ दोगे, तुम छोड़ दिया मेरे भाई तो हम अकेले नहीं रह पाएंगे और अपने बाप है और बाप से ही 100 बार गलती करे बेटा उससे 100 बार मंजूर करता है। मैं जानता हूँ भैया, चलो घर चलो, इतना नाराज मत हो कि उन ठाकुरों के खातिर अपना घर और अपना परिवार छोड़ रहे हो। नहीं मेरे भाई, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, तुम जाओ बाबूजी की सेवा करना और मेहनत करना और मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि
जो लिखा होगा वही होगा भैया। चलो मैं शेर जरूर करूंगा कि कल्ला नहीं उनके घर जाएगा और तुम अपने घर चलो भाई। नहीं भैया चलो घर नहीं जाऊंगा। चलो बापू तुम्हें कोई कहा है डांटा है मारा है तो गलत नहीं किया है। बाप अपने बेटे को सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूँ बाप अपने बेटे को मार सकता है लेकिन मैं अब घर नहीं जाऊंगा। आप जाए मेरी यही विनती है आपसे कि आप जाए घर बेबूजी की सेवा करना और काम करना मेहनत से। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चलो नहीं घर चलो। भाई रामू से आज अनाज के खातिर भाई भाई से बिछुड़ रहा है और बाप बेटे से बिछुड़ रहा है। ठाकुर ठाकुर तुम अनर्थ कर रहे हो वो अपनी पुरानी पद्धत नहीं छोड़ रहे हो। भैया रामू मैं आ रहा हूं। भाई कहाँ जा रहे हो? आधा गल्ला ठाकुर यहाँ पहुंचा दिया है आधा बचा वो अपन गुजर बसर कर। क्या बिरजू को देखा है? क्या बिरजू को? वो रामू भैया जा रहे थे वापस आए नहीं आए। अरे रामू भैया क्या वापस करेंगे रहा बिरजू? रामू भैया तो माने ना है। तो बिरजू कहाँ? और बिरजू क्या झिटका दे के भी भाग गए? बिरजू घर घर की तरफ जा रहा है या फिर कोई लंका खेत की तरफ चले गए? घर तो नहीं है घर पे मैं आई हूँ अभी। बिरजू के घर पर नहीं है तो फिर खेत की तरफ गए हो? खेतों की तरफ। अरे यार तब तो मुझे खेतों की तरफ जाना चाहिए ना बिरजू से मिलने के लिए। ठीक है तो खेतों की तरफ जाइए। ठीक है चलो हो चली। हाँ तुम भी चलो। ठीक चलो हम हो चला। चलो लेकिन हम दो जहाँ पर इकट्ठा हो जाए वहाँ तुम नहीं रुकना। ठीक है ठीक है। हाँ तुम बिरजू मिलने हैं वह जैसे हम कट लिया भाई। वरना जानते हो बिरजू से प्यार करने में शर्म आएगी। हाँ एक लड़की है गांव में तुम प्यार करो तो उससे करा दो। अरे जल्दी लेकिन एक पैर में जरा पोलियो है। यानी हम पोलियो वाली लड़की से प्यार करें? एक पैर यानी हो दीदी हमका इस प्यार न चाहिए हमका को गधही मिल जाए तो ठीक है ले ले गड़ी लो गड़ी से हम नहीं करें प्यार। ठीक है हो के हु लुटेरा के हु चोर हो रामू तो चला गया लेकिन अब ज्यादा दिन हो गए हैं हमारी और गंगा की मुलाकात नहीं हुई है। देखें चलते हैं उसकी तलाश करेंगे देखें गंगा से मिलेंगे। दूसरे वाले खेत में देखती हूँ टहलने घूमने कहीं चला जाता है। अबे बॉडीगार्ड जब से लड़की को देखा तब से चैन हमारा दिल दीवाना हो गया है लेकिन गंगा जा रही है बहुत जल्दी उसका पीछा करो और चलकर उससे कुछ बात करते हैं। गंगा मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। मैं तुमको पहचानती नहीं हूँ। मुझे आवाज क्या दे रहे हो? मुझे पहचानती नहीं हो? मुझे नहीं पहचानती हो? पूरी रियासत के लोग धीरे धीरे सब हमको जानने लगे हैं।
और तुम नहीं जानती हो, हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है। ये पूरे पूरे गांव के ही साले पूरे गांव के साले मतलब समझी नहीं। कहने का मतलब जो यहाँ के महाराज वो ठाकुर हरनाम सिंह हैं, मैं उन्हीं का साला हूँ। अच्छा तब तो मेरे मामा हुए। मामा मामा जी नमस्ते, आप जान गई आपको मामा जी। मामा कहती है वो मेरे चाचा हैं रिश्ते में। चलो कोई बात नहीं, मामा कहती है कहने दो, पूरे गांव के सब हमारे। तुम साले हमसे बहुत भड़क रहे हो, कहने का मतलब यह है ये कारी आप हमारे मामू हैं और हम पूरे गांव के अगर मामू हो जाएंगे, सब हमारी भांजी हो जाएंगी, हमारी सब बहनें हो जाएंगी, तो हम कहाँ घुस जाएंगे। कहाँ घुस जाए, कहाँ तुमको तमीज नहीं बात करने की। गंगा चलो कोई बात नहीं है, मामू और ये रिश्ते सब रिश्तेदारियां सब छोड़ो, मैं तुम्हारा मामू तो हूँ लेकिन कोई सगा मामू नहीं हूँ। लेकिन इससे क्या होता, कहते रिश्ता रिश्ता होता है। रिश्ता क्या होता है, देखो हम कुछ तुमसे और कहना चाहते हैं। और तुम यहाँ अकेले में कुछ सोच रही थी, इसके बारे में कुछ कहना है। मुझे किसी से मिलने जाना है, वही सोच रही थी। सोचती तुम खड़ी यहाँ चुपचाप, सोच तुम सीने से लग जाओ। और हमें खबर मिली है कि तुम हमारी भांजी तो लगती हो रिश्ते में, माना कि परवरिश तुम्हारी हमारे जीजा जी के घर में हुई है, लेकिन तुम कोई हमारी सगी भांजी नहीं हो, मुनीम की बेटी हो ना, इससे क्या होता है, आओ हमारे सीने से लग जाओ। शर्म नहीं आती कोई अपनी भांजी से ऐसी बदतमीजी करता है। भांजी आंधी भांजी हम कुछ नहीं जानते हैं, हम सिर्फ जानते हैं प्यार क्या होता है। अच्छा प्यार जानते हो, अरे प्यार प्यार तुम नहीं जानते क्या होता है, प्यार हम लोगों से पूछो, किसानों से। अच्छा हाँ प्यार मालूम है, तो एक बार अपना प्यार हमारे ऊपर भी कुछ थोड़ा छिड़क दो। तुम्हारे ऊपर प्यार छिड़क सकती हूँ, लेकिन उसी रिश्ते से, मामा भांजी के रिश्ते से। भांजा भांजा भांजी का नाम बार बार बदलो, समझ गए, हमारा दिमाग खराब। और हमारा दिमाग खराब हुआ तो जानते हो क्या होगा, ले जुबा थाम आपे के बाहर न हो, ले जुबा गालियां दे लो, जूतियां मारनी चाहते हो जितनी दिल चाहे उतनी जूतियां मार लो, लेकिन एक बार मेरा कहना मान लो। लेकिन मामा श्री एक बात याद रखो, क्या और बदनियत वाले कीड़े पड़ेंगे तेरे नरक में, पापी घुट घुट
गुजारा करे और बहन भांजी को शायद न पहचानता ऐसी नजरों से मुझको निहारा करे। भांजी को छेलोगे बहन को छेलोगे तो बदनीयत वाले कीड़े पड़ेंगे। गौरे हम तमाम कीड़ों के नाम सुने हैं लेकिन ये साला बदनीयत वाला कीड़ा कौन होता है रे? ये बदनीयत वाला कीड़ा आज हम पहली बार सुन रहे हैं। ये कौन सा नाम है सारे कीड़े का? अरे वो है जनु टट्टी मैदान हम गया हो और टट्टी लेके गए दो कीड़े ने लेके वो अत्यधि रोड़ी बनाई लेके चलते थे गोबड़ा। यानी हमने गोबड़ाउरे पड़ जाएंगे साले बदमाश कहेंगे। हमारी बात तेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। समझ में तुमको नहीं आ रही है तो मेरी बात नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। मान जाओ। मान जाओ। आई लव यू मेरी जान। तो मान जाएगा? तू मान जाएगा तो चल साले झाड़ी में चल। तुझे नहीं मार भाई ज्यादा पक पक मत करो वरना हम पूरी भी खाते हैं पराठा के भी बहुत शौकीन हैं। मेरी जान, जान, मैं कह रहा मेरी बात मान जाओ वरना जबरदस्ती करने का आपको बहुत पुराना अभ्यास है। मानोगी नहीं मानोगी? ओह क्या अदाएं हैं क्या स्टाइल है। मेरी जान तुमने मुझे पागल कर दिया है। वाकई में तुम्हारे क्या गोरे गोरे काल हैं काले काले पाल हैं नागन जैसी चाल है। तुम तो मेरी जान एकदम बनारस का पान हो। तुम्हें देखकर हमें गाना याद आ गया ऊंची दुकान का नाम फीका पकवान है। ऊंची दुकान का नाम फीका पकवान है मेरी महबूबा बनारस का पान है। कहां से घुस गया? एक हो शुक्र मनाओ कि हम गाल पर चुम्मा नहीं ले लिए वरना साले तुमने गाल पर चुम्मा लेने से अच्छा हम गोबर में मुंह बोर देते ठीक था। नालायक के तुम साले बूढ़े सांड हो कुछ नहीं होने दोगे। तुमका नरम कर रहा नहीं मालूम दे नरम कर रहा औरत के कदे नरम और मर्द के कदे होते कर्री। एक बात सुन लो हम बहुत हरामी किस्म के ठाकुर हैं यहाँ के गुस्सा साले तुम्हारे ऊपर हवेली पर हम उतारेंगे ये समझ लेना।
एक कमरे में बंद करके साले तीन क्वार्टर पी करके तीन घंटा साले तुमको दौड़ाएंगे कमरे भर में, ये समझ लेना। हम ये तन की ना है ना, ना कुछ करता ना कुछ होने देता है। इसका मतलब तो मेरी नहीं मानेगी बात, नहीं मानेगी। पता नहीं क्या है, हमको मामला सब उल्टा लगा करता है। जब कोई लड़की हमको गाली देती है, जब कोई लड़की हमको गाली देती है तो हमको ऐसा लगता है कि ये लड़की हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। मालिक, लड़की नहीं फूल का बूटा है। लड़के फूल का बूटा है, हम साले क्या है? अरे आपका भी नाम ले, आपका नाम भी ले रहे हैं। लड़की नहीं फूल का बूटा है और मुंह तुम्हार जैसे चमरौधा झूठा है। गंगा, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरी बात मान जा। तनुकुमा गलत है तो फिर से कहो, तारीफ कैसी? फिर से तारीफ? अब के साले जूता बताए हो, क्या बताओगे? चिड़िया तो बहुत से देखी, जैसे कबूतर। चिड़िया तो बहुत से देखी जैसे कबूतर और मुंह तुम्हारे जैसे भैंसा के चूतर। हमरा मुंह भैंसे के चूतर बता रहा है, उल्लू का पट्ठा तो तू नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। एक बार और कमरे उस झाड़ी के अंदर चल, मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाएगी? चिल्लाएगी तो ससुरी पकड़ करके यही पर हैया हैया कर दूंगा। इतनी गर्मी भरी है तो अपनी बहन पर फांदो जाकर। हमारी बहन तुम्हारे जैसी खूबसूरत नहीं है, अजही खजही है, अच्छी नहीं है। वरना तुम जानते हो हम पूरे गांव में बहन बेटियों को समझते कुछ नहीं है, बहन सिर्फ अपनी बहन है, बाकी पूरे गांव की हमारी बेटियां सब बहन थोड़ी हो जाएंगी। चल उतारो कपड़े, उतारो। नहीं उतारेगी साली बदमाश कहीं की। तेरी औकात क्या है हमारे सामने बात करने की? जिस लड़की से छेड़छाड़ कर जिंदगी वाला
मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, वरना मेरे काम में जो टांग अड़ाता है उसकी टांग नहीं उसकी गर्दन काट देता हूँ। तुमसे बार बार कह रहा हूँ, शैतान लड़की को सीधे साधे यहाँ से निकल जाओ, अपनी जो खैर चाहते हो। हमारी क्या लगती है, तुम्हारी क्या लगती है, और तुमसे इससे क्या ताल्लुकात है? ये तेरी क्या बहन लगती है क्या रे? मेरी नहीं बहन लगती है तो क्या तेरी बहन लगती है? इससे छेड़छाड़ कर रहे तुमसे लड़की राज है तो मैं जा रहा हूँ।